मंडला युग जयंत नार्लिकर ने शुक्रवार को जिला अस्पताल पुरुष एवं जिला अस्पताल महिला में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन के कार्यों को देखा। निरीक्षण के दौरान मंडला युग ने टीका लगा रहे कार्मिकों से टीकाकरण की प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए टीका लग चुके स्वास्थ्य कर्मियों से उनके स्वास्थ्य और अनुभवों की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान वहाँ पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने मंडला युग को बताया कि आज जनपद के 41 केंद्रों पर 4,100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस अवसर पर एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे, जिला अस्पताल प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव, जिला महिला अस्पताल SIC डॉक्टर माला सिन्हा और डॉक्टर राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, दूर चल नहीं है आप, कैसा चल रहा है, कितने लोग आ गए? 15 लोग आ गए। यहाँ पर जब आते हैं तो हमारे गेट पर लिस्ट से मिला लेते हैं कि आपको साल क्या है, वो अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेते हैं, फिर आगे बैठते हैं। यहाँ के वेट करते हैं, आज मरीज नहीं होते हैं, ये जहाँ पर नहीं बैठना है सब मार्कर लगा हुआ है, अचानक हम जैसे साथ आ गए, ऐसा हो नहीं रहा है लगभग। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उस नाम को टोटल डिटेल एक दूसरे के पास भी है, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर सभी लिखा हुआ है, जिससे आवासीय का नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, चेक हो जाएगा। पहले कोविड हुआ था तब उस टाइम आधार कार्ड नहीं बोला गया था, तो आप कोई आईडी दे सकते हैं? एनी फोटो आईडी नेसेसरी है, बाकी मैं आपसे रिस्की करता हूँ सर। इसके बाद जैसे ये मान लीजिए जो प्रताप जी का अभी वैक्सीन हमने यहाँ पर हमने इसको टेस्ट इसके बाद पूछता है कि ऑथेंटिकेशन में क्या आधार कार्ड चाहिए, यदि आधार यस करें तो ये मतलब जब आएंगे तो आप यस करेंगे मिला लिया आईडी से, जो आपने आईडी दिया था वो ड्राइविंग लाइसेंस क्या वो कहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया है उनका, हमने मोबाइल नंबर भी से कहीं भी कुछ मिल रहा है फोटो आईडी टाइप में तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये जिनके पास नहीं है तो मोबाइल नंबर तो मैसेज गया है, मोबाइल नंबर सर सर आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जी, तो आपने क्या कहीं पर ये लिखाया है कि ये आइडेंटिटी नहीं के लिए, जैसे इलेक्शन में होता है सपोज उनका ये कार्ड नहीं है तो ये देख लेंगे तो आधार कार्ड के अलावा ये भी फोटो आईडी एंट्री करने के बाद वेरिफिकेशन से गए, और यहाँ तो पता क्या रहा देखो सर जब सिस्टम क्रिएट होगा तब चलो सर, इनको वैक्सीनेट हो गया तो अब ये लिख गए पार्शली वैक्सीनेट नहीं, अब कलर बदल गया, यदि नहीं होता तो ये नल में होते और 28 दिन बाद इनको पुनः जनरेट कर दिया है। जो सर आपको समझ में आ गया सर, सपोज करिए कि आज हमने 100 लोगों का लिस्ट बना लिया और 3 बजे अगर 10 लोग नहीं आए या अभी भी नहीं आए 5 बजे तक जो है, और आपने कहा कि नहीं मुझे ऐड कर दो मैं यहीं पर मेरा लिस्टिंग हुआ है, तो एलोकेशन करने के पश्चात उस व्यक्ति को भी ऐड करते हैं। लास्ट टाइम नहीं था क्या, जैसे कोई आता है तो उसका कैसे मिलान करते हैं, जो उसने बोला कि मेरा नाम ये है तो कैसे मिलान करते हैं? आईडी नंबर चाहिए, बस मेरा नाम बताएंगे तो नाम मिलाएंगे, एस रहेगा तो एस बताएंगे, हिंदी में नहीं निकलती है नहीं सर, पोर्टल से निकलती है, प्रिंट कॉपी बनाया जाता है, इंग्लिश से निकलेगा वो जानती है, वो इंग्लिश से ही निकलेगा, कार्ड वही है इंग्लिश से निकलेगा सर, तो ऑटो जनरेटेड है, पिछली बार भी यही था, बताओ मेरा नाम डॉक्टर, तो मतलब आप किसी भी उसको आने नहीं देते बिना, क्यों मैडम सर, किसी भी यदि आपने पूछा उसका आईडी आप चेक करते होंगे ना, और यदि उसका आईडी मिलता है तो ही अंदर भेजिए, उसे मोबाइल में वो देख के लेते हैं, उसका जरा फॉर्मेट बोल रहा
ज़्यादातर लोग का यही आया होगा कि बहुत ब्रीफली दिखा देना लगता है बहुत कितने लोग गाड़ियाँ पार्किंग की जगह नहीं है आप कुछ ऐसा संकेतक लगा दें ऐसी वहाँ पर भी लगा दें जिससे किसी को किसी से बात ना करना हॉस्पिटल के अंदर जो है बात ना करें मास्क लगाएं जहाँ पे आपका ऑक्सीजन वगैरह भी लगा हुआ है बेड वगैरह क्या लगा हुआ है ठीक कितने लोग आगे मैडम आपके कोई किसी को विशेष समस्या तो नहीं आई अच्छा आप सभी डॉक्टर जैसे कि आपकी गोरखपुर में जितनी साइट है करीब 40 होंगी 40 को आपको कोविशील्ड कैसे भेजते हैं पहले ही भेजा हुआ है वहाँ तो हमारी कोल्ड चेन तो वहाँ रखी थोड़ा सा उत्तर जो है खत्म हो गया तो ये है डॉक्टर राकेश कपूर लग रहा है सीओ आपको पता है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में गोरखपुर मंडल और गोरखपुर जनपद में भी आज 22 जनवरी को सेकेंड डे है जहां पर हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है लगभग मंडल के चारों जनपदों में करीब 10,000 लोगों को आज वैक्सीनेट किया जाना हम लोग ने लक्ष्य निर्धारित किया है और उन सभी को कम्युनिकेट किया गया है और आशा करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं जो प्लान बनाए हैं और वैक्सीनेशन के लिए जो वीओ ऑफिसर्स लगाए गए हैं उनके माध्यम से और आप लोगों ने जो पॉजिटिव एक प्रचार प्रसार में सरकार का शासन का सहयोग किया है उससे हम ये प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे एक दो चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से मैं जनमानस को कहना चाहूँगा नंबर एक जिनका भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो 28 दिन बाद उनका वैक्सीनेशन एक सेकेंड डोज भी ली जानी है और तभी वो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है पूर्ण होगी उनको कार्ड दिया जा रहा है जिस पर ये लिखा हुआ है और मोबाइल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है तो वो उसका ध्यान रखें ये ना हो कि 27-28वें दिन जब उनकी बारी आए वो यहाँ पर ना हो दूसरा ये है कि कोविड वैक्सीनेशन जो भी है उसकी सबका उसमें नंबर आना है डेटा एंट्री हो रही है कम्प्लीटली डिजिटाइज प्रोसेस है और इसमें कोई भी आगे या पीछे होने की गुंजाइश नहीं है अनुरोध ये रहेगा कि जिसका जब नंबर आए वो उस समय सेशन साइट पर जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं और ये जो 28 दिन पर दूसरी डोज होनी है उसका भी ध्यान रखें तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो कुप्रचार में संलिप्त रह सकते हैं और आप लोगों ने बहुत मदद की है सरकार शासन की कोई भी मिथ्या प्रचार को सपोर्ट ना करें कोई भी तथ्य ऐसा आता है डॉक्टर को बताएं वैक्सीनेशन के पश्चात AEFI जिसे हम कहते हैं आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यदि उसमें कोई किसी को कोई जी मचलाता है कुछ है तो उसका हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं और सारे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं हम लोगों ने BRD में भी एक AEFI के लिए यूनिट खोल रखी है हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हम बहुत अच्छे से पूर्ण कराएंगे और मुझे आशा है कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे और कोविड के संक्रमण से बचा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी और ये थोड़ी दीर्घ प्रक्रिया होगी क्योंकि सबके नंबर आएंगे एक हमारा ज़्यादा जनसंख्या वाला
राज्य है और देश है, इसलिए जो सावधानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की है वो बिल्कुल बना के रखनी है, और हम आशा करते हैं कि इसको हम बना के रखते हुए संक्रमण से बचाव में सक्षम होंगे।